तो यह है इस वीक का सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट वाला सॉन्ग, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। बहुत ही शानदार गाना है, दर्द भरा गाना है, मगर म्यूजिक की मस्ती से भरा हुआ है। तो सीख लिया जाए इस गाने को भी बहुत ही आसान तरीके से, स्टेप बाय स्टेप और नोटेशन के साथ। नमस्कार, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं सीखो सरल। तो इस गाने को हम सीखेंगे मिडिल ऑक्टेव के एफ शार्प से। स्केल जो है यह है एफ शार्प माइनर, एफ शार्प, ए, सी शार्प, ठीक है। गा इसमें कोमल है, इसलिए जो स्केल है वो एफ शार्प माइनर है, ठीक। इस गाने के लिए जो मैंने टोन सेलेक्ट की हुई है वो है ऑर्गन, जिसका नंबर है 16, और ये जो मॉडल है ये केसियो का SA78 है। इस वाले पियानो पर ज़्यादा रिक्वेस्ट आती हैं सिखाने के लिए, तो फिर से मैं आपको इसी पियानो पर सिखाने जा रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं, गाना बहुत ही लंबा है तो फटाफट हम सीखेंगे। फटाफट का मतलब ये नहीं है कि मैं खुद ही बजाता रहूँगा, मैं आपको भी सिखाऊँगा साथ ही साथ, ठीक है। बस ये है कि थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे ताकि गाना जो है जल्दी कंप्लीट हो जाए और वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। वैसे गाने को प्ले करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है क्योंकि एक जैसी लाइन कई जगह हैं, तो इसलिए आपको बजाने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो गाने का जो फर्स्ट पार्ट है उसकी जो लाइन है वो है, दिल लगा भी लिया इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने। बहुत प्यारी लाइन है इस गाने की। चलिए पहले मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। एक चीज़ मैंने नहीं बताई आपको, गाने की जो मेन लाइन शुरू होती है बेवफा तेरा मासूम चेहरा, वो तो शुरू होगी हमारी मिडिल ऑक्टेव के एफ शार्प से, मगर ये जो लाइन है शुरू की जो मैंने अभी बोली है ये स्टार्ट करेंगे हम मिडिल ऑक्टेव के ए नोट से, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, दिल लगा भी लिया इश्क भी कर लिया, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ठीक। चलिए अब इसको एक एक लाइन करके स्टेप बाय स्टेप देख लेते हैं। पहली लाइन है, दिल लगा भी लिया इश्क भी कर लिया, इसको देखेंगे, दिल लगा भी लिया इश्क भी कर लिया, ठीक है। दिल के लिए ए, लगा के लिए जी शार्प और ई, फिर भी के लिए एफ शार्प और लिया के लिए दोबारा एफ शार्प, फिर इश्क, इश्क के लिए ए और जी शार्प, ठीक। भी, भी के लिए फिर से ई और कर, कर के लिए जी शार्प और लिया के लिए दो बार जी शार्प, ठीक। तो सिंगल फिंगर से देखिए कंटिन्यू, दिल लगा भी लिया इश्क भी कर लिया, ठीक। अब इसके बाद चांदनी रात में हमने तारे गिने, ये स्टार्ट होगी जी शार्प से, यहां से मिडिल ऑक्टेव के जी शार्प से, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ठीक। बहुत ही प्यारी लाइन है, चांदनी रात में हमने तारे गिने, ठीक है। सिंगल फिंगर से कंटिन्यू देखिए, ठीक। अब इन दोनों लाइनों को आपको रिपीट करना है, ठीक है, एक बार और रिपीट कर देना आपको ये लाइनें। इसके बाद, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें। तो ये सेम टू सेम वही है जो हमने स्टार्टिंग में दोनों लाइनें सीखी थी, दिल लगा भी लिया, सेम वही है। देखिए पहले ये लाइन देखिए, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, ठीक है। तो ये वही लाइन है, दिल लगा भी लिया इश्क भी कर लिया, ठीक है। तो आपको रिपीट कर देनी है वही लाइन, तो ऑटोमेटिक आपकी लाइन प्ले हो जाएगी, ख्वाब जैसा कोई ख्वाब थी जिंदगी, सेम टू सेम वही है। दिक्कत हो तो स्क्रीन पर भी आपको नोट्स मिल जाएंगे, वहां से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद, नींद टूटी तो आया समझिए हमें, बड़ी प्यारी लाइन है इसकी, तो ये भी वही लाइन है जो हमने सेकंड लाइन सीखी थी, चांदनी रात में हमने तारे गिने, सेम टू सेम वही है, उसको आप रिपीट कर देना तो ये लाइन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी, नींद टूटी तो आया समझिए हमें, ठीक। और नोटेशन जो है अगर फिर भी दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर आपको दिखाई देते रहेंगे कौन से शब्द के नीचे कौन सा नोट्स लगेगा, ये आपको स्क्रीन पर दिखता भी रहेगा, ठीक। अब इसके बाद लाइन है, रहा वो जिसमें मैं चल रहा था, ये लाइन अलग है। देखिए ये स्टार्ट होगी कहाँ से, सी शार्प, हायर ऑक्टेव के सी शार्प से स्टार्ट होगी ये लाइन, रहा वो जिसमें मैं चल रहा था, ठीक है। ये कैसे प्ले करेंगे देखिए, स्लो में देखिए, रा हा
वो जिसमें मैं चल रहा था। ठीक है, कंटिन्यू देखिए सिंगल फिंगर से। ठीक, यहां पर तीन नोट जो लगे हैं वो हायर ऑक्टेव के लगे हैं, सी शार्प, डी शार्प और ई। ये तीन नोट हायर ऑक्टेव के लगे हैं, बाकी मिडिल ऑक्टेव का। अब इसके बाद है, उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। ये देखिए, ये भी स्टार्ट करेंगे हम सी शार्प से ही, ये थोड़ा और ऊपर तक जाएगी, एफ शार्प तक जाएगी। ये देखिए, ठीक, ये क्या किया हमने, यहां से स्टार्ट सी शार्प हायर ऑक्टेव के, उसकी कोई भी मंजिल, यहां पे डी इस्तेमाल हुआ है, मंजिल, जिल आया डी पर, मंजिल अब नहीं, अब है ए ए। ठीक है, तीन नोट जो है ये किस तरह से है, इस तरीके से। ठीक है, जब आप गाने की लाइन सुनेंगे अच्छे से तो आपको समझ में आएगा कैसे प्ले होगा। सिंगल फिंगर से देखिए कंटिन्यू, उसकी कोई भी मंजिल नहीं है। ठीक, अब आती है गाने की मेन लाइन, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। देखिए, पहले मैं आपको बजा के दिखा रहा हूँ, फिर आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। स्टार्ट होगा हमारा मिडिल ऑक्टेव के एफ शार्प से। बे वा फा। ठीक, इसके बाद तेरा मासूम चेहरा। ठीक, तो एक बार इतनी लाइन सिंगल फिंगर से देखिए कंटिन्यू, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। ठीक, इस लाइन में अगर एफ शार्प आप एक बार भी लेंगे तब भी काम चल जाएगा। ठीक है, ठीक, अगर आप दो बार लेंगे तब भी। ठीक, इसके बाद भूल जाने के काबिल नहीं है। क्या किया, भू ल। ठीक, जी शार्प और सी शार्प, भू ल जाने के काबिल नहीं और है वापस एफ शार्प पर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद अगली लाइन है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं है। लाइन सुनने में सेम है, लिरिक्स सेम है, जो गाने जो लाइन के बोल हैं वो बिल्कुल एक जैसे हैं, मगर लाइन प्ले करने में अलग हो जाएगी, क्योंकि इसके जो नोटेशन है, जो इसकी धुन है वो अलग हो गई है, तो इसलिए नोटेशन भी अलग हो जाएंगे। देखिए, बेवफा तेरा मासूम चेहरा भूल जाने के काबिल नहीं, पहले देखिए बेवफा तेरा मासूम चेहरा, इतना देख लीजिए। तो ये लाइन अलग हो गई, नोटेशन आपको ध्यान में आ गए होंगे कौन से नोटेशन है। सेम ऐसे हमने क्या प्ले किया था, इससे पहले हमने प्ले किया था राह वो जिसमें मैं चल रहा था, बिल्कुल सेम टू सेम ये वही लाइन है, मगर अब इसको बोल में चेंज कर दिया, बोल हो गए बेवफा तेरा मासूम चेहरा, नोटेशन वही रखे हैं उसी लाइन के, मगर बोल जो हैं वो चेंज हो गए हैं। तो कहने का मतलब है, अगर आप वो वाली लाइन प्ले कर देंगे रहा वो जिसमें मैं चल रहा था, तो समझ लीजिए ये वाली लाइन आपकी ऑटोमेटिक प्ले हो जाएगी, बेवफा तेरा मासूम चेहरा। ठीक है, इन्होंने उसी धुन पर ये लाइन फिट कर दी है। देखिए, फिर से देखिए, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, सिंगल फिंगर से देखिए। समझ गए होंगे आप, मैंने पहले ही सिखाई थी ये लाइन, बस लाइन के बोल चेंज हो गए। ठीक, अब इसके बाद लाइन है, भूल जाने के काबिल नहीं है, तो ये भी बिल्कुल अलग है, पहले वाली जो लाइन थी भूल जाने के काबिल नहीं है उससे अलग है ये। तो ये स्टार्ट होगी सी शार्प से हायर ऑक्टेव के, देखिए भूल जाने के काबिल नहीं है। तो ये भी आप समझ गए होंगे, ये कौन सी लाइन है, ये वही लाइन है, उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, ये सेम टू सेम वही लाइन है, इसमें इन्होंने इस वाली लाइन में भूल जाने के काबिल नहीं है मैं नोट फिट कर दिए इसके। ठीक है, उसी धुन में ये वाली लाइन फिट कर दी है, तो इसमें भी आपको मुश्किल नहीं होगी, आप ये वाली लाइन प्ले कर देंगे उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, तो ऑटोमेटिक आपकी ये लाइन प्ले हो जाएगी भूल जाने के काबिल नहीं है। ठीक है, दोनों की सेम नोटेशन है, इसको भी देखिए सिंगल फिंगर से।
मैं इसीलिए कह रहा था कि इसको प्ले करना आसान है क्योंकि लाइनें काफ़ी सारी सिमिलर हैं। अब इसके बाद लाइनें, खूबसूरत बहुत है तो लेकिन दिल लगाने के काबिल नहीं है। तो ये लाइन तो आप मेरे कहने से ही समझ गए होंगे, ये वही लाइन है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है, सेम टू सेम वही है ये, ठीक है। तो इसको सिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप वही चीज़ प्ले कर देना। देखिए, खूबसूरत बहुत है तू लेकिन, ठीक सेम है ना। इसके बाद दिल लगाने के काबिल नहीं, ये भी वही है। और इस लाइन के बाद वो स्टार्टिंग वाला पार्ट फिर से रिपीट हो जाएगा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है, तो वो आपको रिपीट कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद अंतरी की तरफ चलते हैं। अब इसके बाद अंतरी की जो फर्स्ट लाइन है वो है, हो मेरी यादों से तू आज तक ना गया। तो ये कहाँ से स्टार्ट होगी लाइन, ये होगी हायर ऑक्टव के सी शार्प से, यहाँ से, हो मेरी यादों से तू आज तक ना गया। देखिए, बहुत सिंपल लाइन है। पहले होता है हो, थोड़ा प्रेस करके रखना है हो, इसके बाद मेरी यादों से तू, ठीक, मेरी या दो से तू, इसके बाद आज तक ना गया, ये भी सेम ऐसे ही रिपीट कर देना, आज तक ना गया, ठीक। तो पहले हो, फिर मेरी यादों से तू, और फिर रिपीट कर देंगे तो हो जाएगा आज तक ना गया, ठीक। इसके बाद लाइन है, आंख में बारिशें तेरी मौजूद हैं। तो ये लाइन स्टार्ट होगी हमारी बी नोट से, ठीक है। इसमें क्या किया, इसको भी सिंगल फिंगर से देखिए फटाफट, आंख में बारिशें तेरी मौजूद हैं, ठीक है। अब इसके बाद ये दोनों लाइन रिपीट होंगी, रिपीट होते वक्त आपको जो हमने स्टार्टिंग में सी शार्प करा था ये वाला हो, ये नहीं करना है, ठीक है। तो बस आपको दोनों लाइन रिपीट कर देनी है, ये नहीं लगाना आपको, डायरेक्ट कर देना आपको मेरी यादों से तू, ठीक है। तो अंतरे की ये जो दो लाइन हमने सीखी, पहली दूसरी, मेरी यादों से तू आज तक ना गया, आंख में बारिशें तेरी मौजूद हैं, तो ये दोनों लाइनें फिर से आपको रिपीट करनी है। और रिपीट करने के बाद जो लाइन आएगी, आज भी महफिलों में तेरे और मेरे नाम पहले की तरह ही मशहूर हैं, तो ये दोनों लाइनें भी सेम वही हैं जो हमने अभी सीखी हैं, वही आप रिपीट कर दीजिए तो आपकी ये लाइन प्ले हो जाएंगी, आज भी महफिलों में तेरे और मेरे नाम पहले की तरह ही मशहूर हैं, सेम टू सेम वही है। मैं कह रहा था शुरू में ही आपको कि लाइनें बहुत एक जैसी हैं, तो इसलिए आपको बजाना बहुत ईजी हो जाता है। तो देखिए, एक बार मैं जल्दी जल्दी बता देता हूँ, जो हमने अंतरी की पहली लाइन सीखी थी, मेरी यादों से तू आज तक ना गया, तो उसकी जैसी यही लाइन है, आज भी महफिलों में तेरे और मेरे, देखिए, ठीक सेम टू सेम वही है। अब इसके बाद, नाम पहले की तरह ही मशहूर है, तो ये कौन सी है, आंख में बारिशें तेरी मौजूद है, सेम वही है, ठीक सेम टू सेम वही लाइन है, बस आपको रिपीट कर देनी है। अब इसके बाद अगली लाइन है, मेरी बर्बादियों की वजह में, अब ये देखिए, तो ये लाइन भी बिल्कुल वही है जो आपने स्टार्टिंग में सीखी थी, रहा वो जिसमें मैं चल रहा था, सेम टू सेम वही है, डिट्टो वही है। तो टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको भी नहीं समझेंगे क्योंकि आप सीख चुके हैं, ठीक है। बाकी दिक्कत होगी तो नोटेशन आपको स्क्रीन पर दिख ही जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, और इसके बाद लाइन है, कहते हैं कि तू शामिल नहीं है, ये भी वही है, देखिए, देख लिया कौन सी लाइन, वही लाइन जो हमने शुरू में सीखी थी, उसकी कोई भी मंजिल नहीं है, सेम वही है। अब इसके बाद लाइन है, कत्ल बाजार में हो चुका हूं फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है, तो ये तो आप समझ ही गए होंगे ये कौन सी है, वही लाइन है, बेवफा तेरा मासूम चेहरा, तो इसको वैसे ही बजाना आपको, ठीक है। कत्ल बाजार में हो चुका हूँ फिर भी तू मेरा कातिल नहीं है, ठीक। तो बहुत ही इजी है, सब कुछ वही का वही रिपीट हो रहा है, और ऊपर से आपको स्क्रीन पर नोटेशन भी दिखते जाएंगे, कहीं आप सोचो कि मैं खुद कैसे बजाऊं,
तो टेंशन की जरूरत नहीं है। वैसे तो आपको ये सोचना ही नहीं चाहिए, मैंने पहले से ही आपको इतना अच्छे से सिखा दिया है कि बस आपको वो रिपीट करना है तो ऑटोमेटिक आपकी ये लाइनें जो है प्ले हो जाएंगी। फिर भी कुछ दिक्कत होती है तो स्क्रीन पर आपको दिख ही रहा है सब कुछ। अब जो इसके बाद लाइन आएगी वो लाइन अलग है, उसको देख लीजिए। झूठी वफाओं की झूठी कहानी तूने सुनाई मुझे, ये अलग है, इसको देखिए। ठीक, ये लाइन है, बहुत सिंपल है, सिर्फ चार नोट पर है। देखिए, झूठी वफाओं की झूठी कहानी है तूने सुनाई, सुनाई पे ध्यान रखना, सुनाई, ई बी पर आ जाएगा, सुनाई। अब मुझे, मुझे में भी चेंज हो जाएगा, मुझे। ठीक, झूठी वफाओं की झूठी कहानी तूने सुनाई मुझे, इस लाइन को थोड़ा तेज बजाना है। ठीक, ठीक। अब इसके बाद, मेरे लिए तो खुदा भी था झूठा, मैं सच मान बैठा तुझे, तो ये भी सेम टू सेम वही है। सेम टू सेम वही है, बस आपको रिपीट कर देना है। मतलब ये समझ लीजिए कि ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है इस गाने में। लाइनें थोड़ी लंबी है, गाना बहुत लंबा है, मगर मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको ज़्यादा, ठीक है, क्योंकि लाइन जो है सेम टू सेम है। जैसे कि अभी हमने ये वाली सीखी, झूठी वफाओं की झूठी कहानी तूने सुनाई मुझे, इसको हम रिपीट कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये अगली लाइन प्ले हो जाएगी। मेरे लिए तो खुदा भी था झूठा, मैं सच मान बैठा तुझे। और इन दोनों लाइनों को आपको फिर से प्ले करना है, रिपीट करना है, ठीक है। रिपीट करने के बाद लाइन आएगी, सारे के सारे जख्म है संभाले जो तूने दिए थे मुझे, ये लाइन अलग है, इसको देख लीजिए। ठीक, बहुत प्यारी लाइन है, बजाने में भी बहुत आसान है। देखिए, बी नोट से शुरू करेंगे, सा रे, बी नोट मिडिल ऑक्टेव से शुरू करेंगे और हायर ऑक्टेव में पहुंच जाएंगे डी पर। ठीक, सा रे के सारे जख्म हैं संभाले जो तूने दिए थे मुझे। ठीक, सिंगल फिंगर से देखिए, ठीक। अब इसके बाद लाइन है, अब धड़कता है सीने में मेरे, ये भी सेम वही, देखिए। ठीक, अब मुझे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप समझ गए होंगे, वही रिपीट है। इसके बाद, है वो पत्थर कोई दिल नहीं है, अब आप समझ जा रहे होंगे क्योंकि वही चीज आपके दिमाग में भी बार बार बज रही होगी। अब इसके बाद, जिंदगी भर जिसे मैंने चाहा मर के भी मुझको हासिल नहीं है, तो ये तो आप ऑटोमेटिक ही समझ गए होंगे मेरे बोलने से ही, जिंदगी भर जिसे मैंने चाहा। ठीक, और इसके बाद, मर के भी मुझको हासिल नहीं है। और फिर वही स्टार्टिंग वाला पार्ट फिर से प्ले कर दिया जाएगा, बेवफा तेरा मासूम चेहरा दिल लगाने के काबिल नहीं है। ठीक है दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फटाफट कर लीजिए, और साथ ही साथ सब्सक्राइब के बगल में जो बेल आइकन का बटन होता है, जो घंटी वाला निशान होता है, उसको दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और अगर सीखो सरल पर आप और भी सुपरहिट सॉन्ग पियानो और हारमोनियम पर प्ले करना सीखना चाहते हैं तो लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे मिल जाएगा। तो मिलते हैं आपकी अगली फरमाइश के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।